अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में अल्फा ब्लॉकर्स को कवर किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? बीटा ब्लॉकर्स भी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं और ये बीटा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, इसीलिए इन्हें हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। जबकि वो ब्लॉकर्स जो अल्फा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, उन्हें हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं। ये ब्लॉकर्स जब बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स को तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियल एक्टिविटी शो करते हैं। नॉन सेलेक्टिव कौन से ब्लॉकर्स होते हैं? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स वो ब्लॉकर्स होते हैं जो कि बीटा वन और बीटा टू दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। ये किसी एक को लेकर सेलेक्टिविटी शो नहीं करते, बल्कि दोनों के साथ ही बाइंड कर जाते हैं और बायोलॉजिकल अपना इफेक्ट जो इन्हें प्रोड्यूस करना होता है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसीलिए हम इन्हें नॉन सेलेक्टिव कहते हैं। जबकि जो सेलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं, या तो वो सिर्फ बीटा वन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, या फिर कुछ ऐसे ब्लॉकर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बीटा टू रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। तो किसी एक को लेकर ये सेलेक्टिविटी शो करते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये सब यूज किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन के लिए हम इसको नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हम ये उसे देते हैं। ना सिर्फ ये ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए, बल्कि अदर मेडिकल कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। काफी इफेक्टिवली ये कंसिडर किया गया है, लाइक एंजाइना, कार्डिक एरिथमियाज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरथायरॉइडिज्म, ग्लूकोमा, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, हेडेक वगैरह में हम इसे देते हैं। शुरू करते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो है दैट इज प्रोप्रानोलोल। जैसे कि बताया था, नॉन सेलेक्टिव होते हैं जो कि बीटा वन बीटा टू दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। बीटा वन रिसेप्टर कहाँ होते हैं? मेनली लोकेटेड होते हैं हार्ट में। बीटा टू रिसेप्टर कहाँ होते हैं? दीज आर लोकेटेड इन लंग्स। बीटा टू लंग्स में, बीटा वन हार्ट में होते हैं। अब ये नॉन सेलेक्टिव है तो यानी ये बीटा वन बीटा टू दोनों के साथ बाइंड करेंगे। बाइंड करके क्या करेंगे? उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे उनकी एक्टिविटी को, इस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जो हमारे पास पहला बीटा ब्लॉकर है प्रोप्रानोलोल, ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है। जब ये बीटा वन रिसेप्टर यानी हार्ट में जाके जब ये बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, तो फिर ये एस ए एंड ए वी ए की जो एक्टिविटी होगी उसको लो कर देंगे। हार्ट का जो वर्क है वो स्लो हो रहा है, लो हो रहा है। ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन होती है, कार्डिक मसल्स की जो डिमांड होती है, कंजम्पशन होती है, वो उसको भी लो करते हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लो हो रही है। कार्डिक रेट जो होता है वो भी लो हो रहा है। इन शॉर्ट कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ये तो बीटा वन रिसेप्टर्स की बात की थी ना, जब ये ब्लॉकर बीटा वन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो इस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। वॉट अबाउट बीटा टू? बीटा टू आपको मालूम है कि लंग्स में मौजूद होते हैं, तो अगर किसी को ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स दे दिए जाए और वो ऑलरेडी पेशेंट हो सीओपीडी या एस्थमा का, तो हम रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ये जब जाएंगे और बीटा टू रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेंगे, तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता। तो अवॉइड किया जाता है सीओपीडी और एस्थमा के पेशेंट को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं नॉन सेलेक्टिव के अंदर जो आते हैं, दैट इज टिमोलोल एंड नेडोलोल। टिमोलोल और नेडोलोल ये जो दो एजेंट हैं, दो ब्लॉकर्स जो हैं, ये काफी पोटेंट हैं एज कम्पेयर टू, इनमें पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। और ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मैं बात करूँ, टिमोलोल जो है वो यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। और इसके अलावा ये टिमोलोल जो है वो जो एक्वस ह्यूमर होता है आई में, उसका प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिकली हम इसको देते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए। जो हमारे पास नेक्स्ट एजेंट है दैट इज नेडोलोल, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफी लॉन्ग है, बेहतर कंसिडर किया गया है। ये जो टिमोलोल है हमारे पास वो ओकेजनली यूज किया जाता है फॉर द सिस्टमिक ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब बात करेंगे सिलेक्टिव एजेंट की। सिलेक्टिव एजेंट की वो एजेंट, वो ब्लॉकर हैं जो या तो सिर्फ बीटा वन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे या बीटा टू रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। तो पहले बीटा वन रिसेप्टर को डिस्कस करते हैं। वो ब्लॉकर जो कि सिर्फ बीटा वन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, हम उन्हें, क्योंकि हमें मालूम है कि बीटा वन जो है वो मेनली हार्ट में मौजूद होते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। बीटा वन को हम क्या कह रहे हैं? सिलेक्टिव होते हैं ना ये, इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स।
कौन कौन से ब्लॉकर्स इसके अंदर इंक्लूड है? एस ब्यूटोलॉल, एटिनोलॉल, मेट्रोप्रोलॉल और एस्मोलॉल। ये सारे वो एजेंट हैं जो कि बीटा वन को लेकर सिलेक्टिव होते हैं। इन एजेंट्स की एक ब्यूटी, इनके बारे में एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये कि जब हम इन्हें नॉर्मल या लो डोज पे दें तो होता ये कि ये हार्ट में जाके बीटा वन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और वहां पे ये उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जो भी इफेक्ट इन्होंने प्रोड्यूस करना है ये वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, बट अगर डोज को बढ़ा दिया जाए तो अब ये क्या करेंगे, जो बीटा वन रिसेप्टर हार्ट में मौजूद है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना छोड़ देंगे और ये डोज हाई डोज होने से बीटा टू रिसेप्टर जो कि लंग्स में मौजूद है उनसे जाके बाइंड कर जाएंगे, उनको जाके ब्लॉक कर देंगे। इसी वजह से हम ये जो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये काफी यूजफुल इनको हम कंसीडर करते हैं। किस वजह, किसके लिए यूजफुल कंसीडर करते हैं? दीज कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आर यूजफुल इन हाइपरटेंसिव पेशेंट विद इम्पेयर्ड पल्मोनरी फंक्शन। ऐसे पेशेंट जो हाइपरटेंसिव हो और इम्पेयर्ड पल्मोनरी फंक्शन के साथ हो तो फिर हम इन्हें कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं दीज ड्रग हैव लेस इफेक्ट ऑन पेरिफेरल वेस्कुलर बीटा टू रिसेप्टर्स। बात अब यहाँ पे करते हैं दूसरा सिलेक्टिव की, दैट इज बीटा टू। बीटा टू ब्लॉकर जो है, जो बीटा टू रिसेप्टर से बाइंड करता है, वो अगर उससे बाइंड कर लेगा, बीटा टू जो ब्लॉकर है बीटा टू रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, जिसका क्लिनिकली या थेरापेटिकली कोई यूज नहीं है, इसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है वो यूजफुल नहीं होती। फिर हमारे पास लास्ट है थर्ड कैटेगरी, दैट इज पार्शल। पार्शल एक्टिविटी ये शो करते हैं। ये क्यों बनाई हमने ये वाली क्लास में, यहाँ पे इसको इसका जो इफेक्ट है वो बताना चाहूंगी। देखिए पहले हमारे पास यहाँ पे है पार्शल एगोनिस्ट एक्टिविटी, ये वाले एजेंट है जो कि पार्शल एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करते हैं। फिर नेक्स्ट है ऐसे एंटागोनिस्ट जो कि दोनों एड्रिनोसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। पहले फर्स्ट वन को डिस्कस करना चाहूंगी। यहाँ पे पेंडोलॉल और एस ब्यूटोलॉल ये दो जो एजेंट हैं ये दोनों बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। सवाल ये है कि पेंडोलॉल और एस ब्यूटोलॉल तो स्पेसिफिक अभी मैंने बताया था कि बीटा वन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और पेंडोलॉल मैंने नॉन सिलेक्टिव को समझाते हुए कहा था कि डिफरेंट बुक में ये कंसिडर किया जा रहा होता है नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स में। तो यहाँ पे ये पार्शल एगोनिस्ट क्यों कह रहे हैं, पार्शल एगोनिस्ट एक्टिविटी क्यों शो कर रहे हैं? देखिए इसका आंसर ये है कि ये जो एस ब्यूटोलॉल और जो पिंडोलॉल है ये प्योर एंटागोनिस्ट नहीं है, ठीक है। दे हैव एबिलिटी टू वीकली स्टिमुलेट बोथ बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर, मुकम्मल तौर पे काम नहीं शो कर रहे, पार्शल एक्टिविटी यहाँ पे अपना शो कर रहे हैं ये, ठीक है। कंप्लीटली कंप्लीटली या प्योरली ये एंटागोनिस्ट कंसीडर नहीं किए जा रहे होते, ठीक है। हाइपरटेंशन पेशेंट जो होते हैं हमारे पास उनको ट्रीट करने के लिए हम इन्हें देते हैं। फिर जो दूसरा है हमारे पास दैट इज एंटागोनिस्ट ऑफ बोथ एड्रिनोसेप्टर, मतलब क्या हुआ, ना सिर्फ ये बीटा रिसेप्टर से बाइंड करेंगे बल्कि ये अल्फा रिसेप्टर से भी बाइंड करते हैं, तभी यहाँ पे एड्रिनोसेप्टर लिखा हुआ है। कौन से एजेंट है वो, कौन से ब्लॉकर है वो, दैट इज लेबिटोलॉल एंड कार्विडिलॉल। ये दोनों बाइंड करते हैं अल्फा रिसेप्टर, और स्पेसिफिक बात करूं तो अल्फा वन रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इन्हें ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही इन दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएंगे और इनको बाइंड करके ब्लॉक कर देंगे तो ये अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्या होता है, नॉर्मली ये दोनों एजेंट जो यूज किए जा रहे होते हैं वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए और कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।